हेलो क्लास नाइन, वेलकम टू एवरीवन। क्लास नाइन आपके लास्ट वीडियो में आपने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री वगैरह बेस्ड क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, पढ़ चुके हो आप। इस एक्सरसाइज में आपका 5.3 एक्सरसाइज है, एडिशन बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ठीक है, नहीं आना पूछिएगा। थर्ड एक्सरसाइज में आपको डिवाइड बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आप फैक्टर पढ़ोगे, तब आपका थ्योरम वगैरह आएगा रिमाइंडर फैक्टर का। तो अभी आप जनरल डिवीजन पढ़िए थोड़ा सा, देखिए। When polynomial x square plus 4x plus 5 is divided by x plus 3, अगर इसको x plus 3 से डिवाइड करते हैं तो फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा, तो ठीक है डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, x plus 3 से डिवाइड करना है x square plus 4x plus 5, इस polynomial को x plus 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, एक चीज ध्यान रखा करिए, जो आप अंदर डिविडेंड लिख रहे हो उसमें जो पहले लिखोगे आप हाईएस्ट पावर लिखोगे। अगर यहाँ पहले 4x लिखा होता फिर x स्क्वायर, तो आप x स्क्वायर को पहले कर लेते, 4x को बाद में कर लेते, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। मतलब बड़े से छोटे में आपको हाईएस्ट पावर जो उससे छोटा, और यहाँ पर भी अगर 3 प्लस x लिखोगे तो गलत हो जाएगा, x प्लस 3 आप लिखोगे, ठीक है। देखिए डिवाइड करना है, क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई किसमें करें, x स्क्वायर आ जाए, x का मल्टीप्लाई इसमें करें x स्क्वायर आ जाए। अगर x का x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा। आप ये टर्म और ये टर्म को देखते हुए मल्टीप्लाई करिए, x में किसका मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, तो x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो बेस से में पावर जुड़ जाएगा, पावर ऐड होगा तो x पावर 1 x पावर 1 क्या हो जाएगा, x पावर 2। मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट में ऐसा होता है, बेस से होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x का x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x स्क्वायर। 3 का करोगे x में तो क्या आएगा, 3x। मल्टीप्लाई आपको इसको और इसको लिखते हुए करना है बस, उसके बाद जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3x। अब फिर साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो गया माइनस और ये प्लस हो गया माइनस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कर दिया प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, x बचा, बड़े की साइन तो प्लस x, प्लस में वाली यूज नहीं है, प्लस माइनस माइनस, ये वाला साइन लोगे जो बाद में चेंज किए हो, चार में तीन क्या एक बचा, प्लस फाइव का उठा दीजिए। अब x का मल्टीप्लाई किस में करें कि x आ जाए, 1 में, x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x आ जाएगा, और प्लस 3 का करोगे तो 3, साइन चेंज, x कर गया 5 में 3 गया 2, बड़े की साइन, तो रिमाइंडर क्या आया आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू, समझ गए। तो यहाँ पे डिवीजन आपको दिया था कि अगर इसको माइनस प्लस 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्लियर है, बस ये नोट कर लीजिए, बहुत कम डिवीजन आपको आना चाहिए, बस इस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको डिवीजन बताया गया है। अब देखिए फाइंड द पॉलीनोमियल, सॉरी इवन द पॉलीनोमियल x³ + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। अगर x³ को x + 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है, देखिए इसीलिए क्वेश्चन लिया है। x³ को अगर x से डिवाइड करते हो, x + 1 से डिवाइड करना है x³ + 1, x में किसका मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, x² का, देखो बेस सेम है, पावर 1 और यहाँ पावर 2, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो x³ आपको मिल गया, और 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस प्लस प्लस, 1 को मल्टीप्लाई किए तो x² साइन चेंज, ये कट गया। अब यहां 1 में x² तो मैं जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा ना, कटेगा, ऐड होगा ना सेपरेट होगा, तो आप पहले किसको उतारोगे, पहले उतारोगे वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ तो x है नहीं, तो आप पहले माइनस x² उतारेंगे फिर ये प्लस 1, साइन के साथ उतारना है माइनस x², अब प्लस 1, ठीक है। अब आप x में किसका मल्टीप्लाई करो, माइनस x² आ जाए, माइनस x², तो x में जब आप माइनस x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस x², देखो प्लस माइनस माइनस, और x का x में किया तो x², जो लिखा है वही आना चाहिए, ठीक है, इसीलिए माइनस x लिए हैं ताकि प्लस माइनस माइनस आए। अब फिर 1 का करोगे आपको क्या आएगा, माइनस x प्लस माइनस माइनस, 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x आए, साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये कर गया, माइनस प्लस माइनस सेम ही कर गया, यहाँ पहले क्या करोगे x और ये प्लस 1, ये प्लस x आप पहले करोगे फिर 1 बाद में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पहले,
अब आप x में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का। देखो x का 1 में करोगे x आएगा और 1 1 जा 1 यही 1 आएगा, साइन चेंज हो गया, दोनों कट गया, 1 और 1 क्या आया 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। सही खड़ी है, ठीक है। इस तरीके से आप डिवीजन करेंगे। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जहां पे आपको सॉल्व करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया जाए। देखिए डिवीजन आपका इसी टाइप से होगा, जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है अगर डिवाइड करना है तो आप इसी तरह डिवाइड करिए। जहाँ डिवीजन में प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में उसको आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो बड़ा से बड़ा उसको आपको डिवीजन, मतलब डिवीजन का रूल ही यही है, इसी तरीके से आप डिवाइड करिए। डिवाइड में प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए और इसके बाद फैक्टर के बाद आप फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे, ठीक है। रिमाइंडर निकालने का एक और तरीका होता है कि जैसे ये एफ एक्स है, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस वन एफ एक्स मान लिया, और इससे इसको डिवाइड कर रहे हो एक्स प्लस वन से, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। अगर मैं इसको जीरो पुट करूंगा एक्स क्या आएगा माइनस वन। अगर यहाँ रख दोगे माइनस वन तो माइनस वन का क्यूब प्लस वन माइनस वन का क्यूब क्या होगा माइनस वन प्लस वन आया जीरो। देखो रिमाइंडर आ गया जीरो, ये आया। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है जो आप पढ़ोगे कि अगर एफ एक्स को डिवाइड करते हो एक्स प्लस ए से तो रिमाइंडर एफ ए होता है, ठीक है। तो ये सब आप एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दो, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। अभी आपको आगे चैप्टर मिलेगा, अभी आप डिवीजन पढ़ रहे हैं तो डिवाइड करिए इस टाइप से, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक्स पावर फाइव एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर फाइव प्लस एक्स पावर फोर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसको आपको डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस वन से, एक्स क्यूब प्लस वन से। ये आपका कोई फंक्शन दिया है पॉलिनोमियल, इसको आप डिवाइड करिए एक्स क्यूब प्लस वन से, और नेक्स्ट वीक मतलब इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने सॉल्व किया कि नहीं, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, अदरवाइज फैक्टर स्टार्ट होगा आपका। थैंक यू।